जिसका नाम होता है मारुति नंदन। यूं भी हम लोग बजरंग बली से बहुत प्यार करते हैं, मारुति नंदन को भी आपकी अगर प्यार भरी तालियों का स्पर्श मिल जाएगा तो इस दरबार में उसकी भी हाजिरी लग जाएगी। मारुति नंदन कोटक। गणमान्य अतिथि हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मंच पर हरिओम पंवार साहब, जानी बैरागी जी मेरे बड़े अग्रज आशीष दाता बैठे हुए हैं। थोड़ा लेट मेरा नंबर आया है, मैं अपने क्रम पर नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपके बीच में, सुनेगा साहब। स्वागत। राष्ट्र का मानचित्र थोड़े समय अपने सामने रखिएगा, मैं आपके बीच में हूं, सुनिएगा। कि मैं जनमेजय यज्ञ करूंगा भारत माँ की माटी पर, मैं जनमेजय यज्ञ करूंगा भारत माँ की माटी पर, अनुष्ठान आरंभ करूंगा मैं सांपों की घाटी पर, मेरे शब्द तपस्या करते हस्ती वज्र बनाने की, शब्द प्रतिज्ञा करते हैं बड़वानल से टकराने की, शब्द प्रतिज्ञा करते हैं बड़वानल से टकराने की, और विश्वामित्र में नहीं बन सकता वर्तमान की राहों में, कि विश्वामित्र में नहीं बन सकता वर्तमान की राहों में, मुझको रोक नहीं सकती है कोई मेनका बाहों में, मुझको रोक नहीं सकती है कोई मेनका बाहों में, मुझको रोक नहीं सकती है कोई मेनका बाहों में। मैं साहब शाम की धरती पर राम की कविता पढ़ना चाहता हूं, अब तक इस मंच पर राम की कविता नहीं हुई है, मैं कोशिश करता हूं, सुनेगा। स्वागत। कि राम लला कोई ओल नहीं, श्री राम प्रभु का दर्शन है, राम लला कोई ओल नहीं, श्री राम प्रभु का दर्शन है, राम शब्द की ताकत से सब संतों का आकर्षण है, राम लला कोई ओल नहीं, श्री राम प्रभु का दर्शन है, राम शब्द की ताकत से सब संतों का आकर्षण है, राम भक्त अब क्यों बैठे हैं अस्तित्वों पर देर किए, राम भक्त अब क्यों बैठे हैं अस्तित्वों पर देर किए, राम शब्द लिखने के कारण पत्थर तक यूं तैर गए, राम शब्द लिखने के कारण पत्थर तक यूं तैर गए, राम शब्द लिखने के कारण पत्थर तक यूं तैर गए, कि क्यों हम इतना काट रहे हैं राम वृक्ष रूपी वट को। साहब हमारे आराध्य महात्मा गांधी अंतिम समय है राम कहकर के मरे थे, वो राम के परम भक्त हुआ करते थे। पवार जी की उपस्थिति में मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। कि क्यों हम इतना काट रहे हैं राम वृक्ष रूपी वट को, कि क्यों हम इतना काट रहे हैं राम वृक्ष रूपी वट को, गांधी ने है राम कहा था जाते हुए अमर पथ को, गांधी ने है राम कहा था जाते हुए अमर पथ को, और राम से भिक्षा मांग रहे मारी सुबाहु वोटों की, कि राम से भिक्षा मांग रहे मारी सुबाहु वोटों की, कायर नेता रोप रहे हैं पौध यहां समझौतों की, कायर नेता रोप रहे हैं पौध यहां समझौतों की, कि राम लला छूटा तो रावण की सत्ता मंडित होगी, कि राम लला छूटा तो रावण की सत्ता मंडित होगी, रघुवर के मन की अभिलाषा फिर शायद खंडित होगी, रघुवर के मन की अभिलाषा फिर शायद खंडित होगी, और भारत की क्या लाज रखेंगे राजनीति के ये ठेके, अरे भारत की क्या लाज रखेंगे राजनीति के ये ठेके, और राम हमारे साथ खड़े हैं धनुष बाण में प्रण लेके, राम हमारे साथ खड़े हैं धनुष बाण में प्रण लेके, राम हमारे साथ खड़े हैं धनुष बाण में प्रण लेके। साहब अभी धारा 370 हटाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैं चार पंक्तियां इस पर पढ़ना चाहता हूं, सुनेगा। स्वागत। कि कश्मीर हमारी धरती का स्वर्ग रहा है, कि कश्मीर तो भारत माता की वो प्यारी गोदी है, कि कश्मीर तो भारत माता की वो प्यारी गोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। बहुत अच्छे, एक बार तालियां बजा दे मैंने अगर अच्छा कर दिया हो तो, सुनेगा। कि कश्मीर तो भारत माता की वो प्यारी गोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है, और लाल किले की प्राचीरों से सिंह गर्जना आएगी,
अरे लाल किले की प्राचीरों से सिंह गर्जना आएगी, घाटी में पत्थरबाजों की अबशामत आ जाएगी, घाटी में पत्थरबाजों की अबशामत आ जाएगी, घाटी में पत्थरबाजों की अबशामत आ जाएगी। साहब क्या होता था कश्मीर के अंदर, छह पंक्तियों में बयां करता हूँ, सुने। स्वागत स्वागत, बढ़िया पढ़ रहा। कि कश्मीर में ईद के मौके पर देखो हिंसा बढ़ की, कि कश्मीर में ईद के मौके पर देखो हिंसा बढ़ की, भारत मुर्दाबाद विरोधी नारों की भाषा तड़की, इस धरती की गोद में पलकर पैरों के बल खड़े हुए, उनके मस्तक देखो कितने देशद्रोह में गड़े हुए, उनके मस्तक देखो कितने देशद्रोह में गड़े हुए, उनको शायद पता नहीं क्या ये उनकी भी माता है, अरे ये तो राष्ट्रभक्त के मुंह पर देखो खुला तमाचा है, और कब तक क्षमा करेंगे जाफर जिन्ना की औलादों को, अरे कब तक क्षमा करेंगे जाफर जिन्ना की औलादों को, इनके वध को खड़ा करो तुम भारत की फौलादों को, इनके वध को खड़ा करो तुम भारत की फौलादों को, इनके वध को खड़ा करो तुम भारत की फौलादों को। एक हैदराबाद का एमपी है साहब, वह कहता है मेरी गर्दन पर छुरी रख दोगे तो भी भारत माता की जय नहीं कहूंगा। तब चार पंक्तियां सुन लीजिएगा, सुने। स्वागत। कि परशुराम के पर से जागो धारों की गति तीक्ष्ण करो, कि परशुराम के पर से जागो धारों की गति तीक्ष्ण करो, और पुनः 21 बार धरा को रिपुदल से विक्षीर्ण करो, कि परशुराम के पर से जागो धारों की गति तीक्ष्ण करो, पुनः 21 बार धरा को रिपुदल से विक्षीर्ण करो, ऐसा क्रोध भरो तन में तो आतंकी डगमग डोले, अरे ऐसा क्रोध भरो तन में तो आतंकी डगमग डोले, और हैदराबाद में ओवैसी भी भारत माँ की जय बोले, हैदराबाद में ओवैसी भी भारत माँ की जय बोले, हैदराबाद में ओवैसी भी भारत माँ की जय बोले। साहब रोज जवानों की लाशें तिरंगे में लिपट करके आ रही है, अभी भी कुछ दिन पहले अजमेर से हेमराज का शव आया तिरंगे में लिपट कर, आखिर क्यों जवानों की लाशों का आना बंद नहीं हो रहा। मैं 8 पंक्तियां मौजूदी तक पहुंचाना चाहता हूं आपके माध्यम से, अंतिम कुछ पंक्तियां हैं जिस प्यार और दुलार से आपने अब तक सुना है, इन पंक्तियों को और सुन लीजिए। स्वागत, पढ़ो पढ़ो। कि कब तक तीन रंग में शेरों के शव आते जाएंगे, वाह, कि कब तक तीन रंग में शेरों के शव आते जाएंगे, कश्मीर के दावा नल में अपनी बलि चढ़ाएंगे, कब तक सुंदर ललनाएं सिंदूरी रंग को पहुंचेगी, कब तक नन्नी बिटिया पापा के बारे में सोचेगी, चमकादड़ कब तक सैनिक के गालों पर चाटे देंगे, देशद्रोही भारत माता के पैरों को काटे देंगे, कब तक सैनिक मौन रहेंगे सरहद की सीमाओं पर, भारत मुर्दाबाद सहेंगे कब तक गर्म फिजाओं पर, कब तक राष्ट्रभक्त की धारा यों ही रौंदी जाएगी, कब तक भारत माता अपने तन पर मलम लगाएगी, मोदी जी अब सेना को भय मुक्त करो सब कष्ट हरो, मोदी जी अब सेना को भय मुक्त करो सब कष्ट हरो, जिनके हाथ बड़े कॉलर तक उनकी गर्दन जब्त करो, जिनके हाथ बड़े कॉलर तक उनकी गर्दन जब्त करो, जिनके हाथ बड़े कॉलर तक उनकी गर्दन जब्त करो, कि हम भागीरथ बनकर गंगा को अवनी पर ला देंगे, हम भागीरथ बनकर गंगा को अवनी पर ला देंगे, विंध्यवासिनी भारत माँ के चरण कमल नहला देंगे, और गिरिशिखरों की ऊंचाई अब नापेंगे भुजदंडों से, रणचंडी की प्यास बुझाएंगे केवलारी मुंडों से, रणचंडी की प्यास बुझाएंगे केवलारी मुंडों से, जय हिंद जय भारत माँ।